हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग अपना घर दिखाएंगे आप लोग को, नया वाला। तो घर कुछ ऐसा है फ्रंट में, तो अंदर चलते हैं पहले। आ जाओ तो सबसे पहले उधर थोड़ा देख लो, पुराना घर उधर ही है, उसको नहीं उजाड़े हैं। और ये नीचे पुराना घर, पहले वाला घर वही है, वहीं पर खाना पीना बनाते हैं, सोते भी आधा लोग वहाँ ही, क्योंकि एक ही रूम है, होता नहीं है, लोग ज़्यादा है हमारे घर में। जब बन जाएगा अच्छे से दो तीन रूम, तो फिर रहने के लिए प्रॉब्लम नहीं होगा। थोड़ा माइंड मत करना दोस्तों हमारे घर को। तो ये छोटा सा जो हॉल टाइप का है, उधर थोड़ा दूर चलेगा, ये छोटा सा हॉल टाइप का है, ऐसे बना हुआ है। ये किचन है, किचन है, ये किचन है, किचन है, किचन किचन के बड़ा किचन किचन है। देखो इधर कुछ रखी है मम्मी, गेहूं वगैरह उसको अभी क्लीन करना है। ऐसे पड़ा हुआ है घर, माइंड मत करना, टाइम भी नहीं है, लास्ट के दिन में मैं शूट कर रही हूँ टूर का। तो ये छोटा सा किचन है हमारा, जो कि यहाँ मुश्किल से एक हाथ का भी नहीं है मेरा, लेकिन ये टच हो जाएगा, इतना छोटा सा है। तो इसमें कुछ भी नहीं है, अभी झाड़ू बस रखा हुआ है, कुछ भी नहीं है। और इसको क्या बोलते हैं आप लोग बताना, इसमें दाल पीसते हैं, जाँता बोलते हैं लोग, इसमें दाल डालते हैं, फिर यहाँ पे डंडी लगाते हैं, चक्की चलाते, चक्की जाता हो जाएगा इसका। जैसे घुसोगे सबसे पहले फ्रंट में, सबसे पहले दरवाजा नहीं खुलेगा, क्योंकि इधर सिलाई मशीन रखा हुआ है दीदी को। लाइट जला दूं, तो लाइट जला देते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले यहाँ पे कुछ कुछ कपड़ा और कुछ सामान है, हमें अभी तो हम लोगों का बिखरा पड़ा है ये टेबल, और कुछ हमारे यूट्यूब मनी से, और कुछ गवर्नमेंट वाले पैसे से, हमारे घर की मेहनत वाले पैसे से, कितना लोन वोन लेके घर को बनाया, क्योंकि बहुत ज़्यादा में हमारा घर नीचे आप लोग देख सकते हैं रोड से, तो काफ़ी ज़्यादा ईंट लगा है, सीमेंट लगा है उठाने के लिए घर को, फिर मिट्टी पटवाए हैं, बहुत ज़्यादा पैसा लगा है इस घर। और ये है हमारा एक रूम, दिखा दूँ, ये सब लोग सोते हैं इसमें, सब इसमें सब लोग सोते हैं, मोनू बता रहे हैं। तो इसमें मैं, नीनी, बाबू, मोनू, उसके पापा, सभी इसी में सोते हैं, क्योंकि एक ही रूम है। और मम्मी, दीदी, पापा मिट्टी वाले घर में सोते हैं, क्योंकि सोना नहीं बनता। अभी हम लोग आ गए हैं, तो हम लोग सब इधर सोते हैं, बच्चे लोग, मैं, नीनी, बाबू, मोनू, मोनू के पापा, मैं, सभी मतलब यहीं सोते हैं, और दीदी लोग वहाँ पे सोते हैं। तो आपको दिखाई देंगे पुराना घर भी। और ये हमारा सामान पैक हो चुका है, जो कि कल हम लोग निकलने वाले हैं, ये लास्ट दिन है आज, तो भी मैं शूट कर रही हूँ, ये सामान पैक हो गया है दोस्तों, देख लीजिए। मैं लूप और ये मेरा अलमारी, जो कि ये मैंने अपने मेहनत के पैसों से खरीदा है। और ये कुछ कुछ पुराने सामान वान रखे हुए हैं ऊपर में, कुछ कुछ कपड़े वपड़े हैं, नहीं पता ये दूर रहता है। ये ड्रॉज मेरा पहले वाला वहाँ था बेंगलोर में, तो मैं इसको भाई लोग आए थे तो भिजवा दी थी फोल्ड करके, तो ये मेरा बेंगलोर का है। तो बस हमारे घर में इतना ही सामान है, ये कूलर जो कि पिछले वाले गर्मी में लिए थे, और ये सिलाई मशीन जो कि दीदी को मिला है संस्था तरफ से, उनका कोई ग्रुप रूप चलता है, तो मिशन की तरफ से मिला है। और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ अपना पुराना घर, तो हमारा मेन घर यही है दोस्तों, अपना औकात नहीं भूलते हम लोग। क्यों बंद कर रहे हो, चलते आना भी। और ये दीदी मम्मी जो कि बाल्टी लेके बैठे हैं, नहाने जा रहे थे अभी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। और ये हमारा चूल्हा जो कि बहुत ज़्यादा आग है, दिखाती हूँ आपको, अयो देखो कितना आग है। तो इसी में हम लोग खाना बनाते हैं, अभी तक खाना भी यहीं बना हुआ है, क्योंकि और घर नहीं है, वहाँ भी अभी सिलेंडर विलेंडर कुछ नहीं रखे हैं, और उसमें चूल्हे में बनाएंगे तो काला हो जाएगा, तो भी बना नहीं रहे। और वो छोटा सा है हमारा रूम, आवाज़ कम करनी नहीं, तो उधर इधर देख लीजिए, हमारी नीनी पढ़ाई कर रही है, जो कि इसका अभी छुट्टी है सोमवार तक, तो ये पढ़ने जाएगी। दो बिस्तर हैं यहाँ पे, इधर दीदी, इधर दीदी और उधर मम्मी सोते हैं दोनों, और पापा बाहर वाला जो खटिया है वहाँ पे सोते हैं अभी अभी, मतलब नहीं तो दीदी लोग, बच्चे लोग, मम्मी लोग सब नए घर में सोते थे, और पापा पुराने घर में सोते थे। और सिलेंडर यहाँ पे रखा हुआ है हमारा,
जो कि खत्म हो गए हैं, डलवाया नहीं है तो अभी ऐसे ही पड़ा हुआ है। और हमारा घर ये है मेन, हम लोग इसी घर में पले बड़े बड़े हुए। और ये देख लो देसी जुगाड़ कितना सारा बर्तन है हमारा। और ये ऐसे ही पड़ा हुआ है, मेरा साइकिल भी पूरा खराब हो गया है मेरा साइकिल। तो इधर उतना ज़्यादा मतलब वेस्ट सामान ही ज़्यादा है, इतना में ही हमारा काम होता है। यहाँ से ये घर से आधे में जो लकड़ी लगा हुआ है इतना में ही काम होता है। ये सब ही पुराने हो चुके, कितना ज़्यादा मट्टी वट्टी पूरा ख़राब हो चुका है घर। तो अभी तो उतना पैसे नहीं है, एक रूम बहुत मुश्किल से बनाया है, आप लोग जानते हैं इतना कमा के। तो जब हो जाएगा तो आप लोगों को दिखाई देंगे। इधर आओ ना, आगे से लो, इधर अंधेरा होगा। इधर आ जाओ, इधर सामने तरफ देख लीजिए। हो गया दोस्तों, हमारा घर इतना ही बड़ा है, एक ही रूम बनाए हैं। अभी बहुत लोग बोलते थे आप लोग की होम टूर दिखाओ, होम टूर दिखाओ, तो दिखा दिया आप लोगों को होम टूर। और इधर रोड साइड दिखा दो, और बहुत सारा उधर कुछ कुछ जगह है। हम लोग कितना चढ़ना पड़ता है, कितना चढ़ना पड़ता है, उसके बाद जाके इधर आते हैं हम लोग। इधर आ जाए। और ये हमारा बैक साइड में जो साइड में बाथरूम है, यहाँ पे वो वाला खाली जगह था, अब घर बन गया तो बाथरूम यहाँ बन गया। और बाथरूम भी कैसे बनाया है थोड़ा इधर से दिखा दो ना, ऐसे करके दिखा दो। ये पूरा धान वान लगा हुआ है, और ये पूरा पानी रखे हैं। पानी का थोड़ा सुविधा नहीं है, यहाँ पे दूर दूर जाना पड़ता है पानी लेने के। और अभी ये नल लगने वाला है लेकिन लगा नहीं है। घर घर जल योजना क्या चल रहे हैं ना अभी। तो देख लो दोस्तों, ये रोड है और ये घर है ये रोड और ये घर, कितना पास पास में घर है। और ये पूरा रोड है, और डीपा परा थोड़ा दूर में है, हमारा घर आउटर में है अकेला। यहाँ से दिखाओ, यहाँ से वो ट्रांसफार्मर दिख रहा है ना, वो वाला घर है डीपा परा। और ये हमारा घर अकेला है, सिंगल है, रोड के किनारे में। तो कैसा लगा कमेंट करके बताना दोस्तों। हमारा घर जो कि आप लोगों के सहयोग से भी बना है, हेल्प से आप लोगों ने इतना मदद किया, हमारा बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जो आज तक हमारा हेल्प करते आए हैं। फाइनली होम टूर दिखा दिया गाँव का, बहुत बोलते थे लोग गाँव का होम टूर दिखाओ, फाइनली गाँव का होम टूर मिल गया होगा। तो ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच। और प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना, सपोर्ट जैसे पहले किए वैसे बनाए रखना, ताकि थोड़ा और कुछ उन्नति करेंगे जीवन में। ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।